लोग कहते हैं धनुर्विद्या में अर्जुन कर्ण से आगे थे, तो फिर क्यों अर्जुन कर्ण के भार्गवास्त्र से भागे थे? चलिए कर्ण के भयंकर भार्गवास्त्र के बारे में विस्तार से बताता हूँ। कुरुक्षेत्र के युद्ध के 17वें दिन जब पांडव सेना कौरव सेना पे हावी हो जाता है, तब कौरव सेना युद्ध से पलायन करने लगता है। कर्ण कौरव सेना को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनके बात नहीं सुनते हैं। तब दुर्योधन कर्ण के पास आकर उन्हें कहते हैं, मित्र तुम्हारे रहते हुए कौरव सेना पांडव सेनाओं से कैसे पलायन कर रहा है? ऐसे हालात में जो करना उचित है तुम वो करो। महावीर राधा पुत्र कर्ण ने दुर्योधन की ये बात सुनकर मद्राराज शल्य से हंसते हुए कहते हैं, नरेश्वर आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो, मैं आज पांडवों के साथ समस्त पांचालों का वध करूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मद्राराज आप कल्याण चिंतन पूर्वक इन घोड़ों को आगे बढ़ाइए। ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूत पुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया, फिर उस महासमर में हजारों लाखों करोड़ों अरबों तीखे बाण और अस्त्र प्रकट होने लगे। कंकर मोर की पंख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूक्ष्म नहीं पड़ता था। प्रबल भार्गवास्त्र से समरांगन में पीड़ित होने वाले पांचाल सेना का हाहाकार चारों ओर गूंजने लगा। हाथी घोड़े रथी और मारे गए पैदल सैनिकों के गिरने से धरती भी कांपने लगती है। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। शत्रुओं को तपाने वाला योद्धा में श्रेष्ठ सिर्फ कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहाँ तहाँ दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और चेदी योद्धा जत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे। वे श्रेष्ठ योद्धा व्याघ्र के समान चीत्कार करते थे, युद्ध की मुहाने पर भयभीत हो चिल्लाते और डर कर चारों ओर भागते हुए उन सैनिकों का महान आर्तनाद प्रलय काल में समस्त प्राणियों का चीत्कार के समान जान पड़ता था। सूत पुत्र के द्वारा मारे जाते हुए उन योद्धाओं को देखकर समस्त प्राणी पशु पक्षी भी से थर्रा उठे। सूत पुत्र द्वारा समरांगन में मारे जाते हुए श्रींजय बारंबार श्री कृष्ण और अर्जुन को पुकारते थे, ठीक उसी तरह जैसे प्रेतराज के नगर में क्लेश से अचेत हुए प्राणी प्रेतराज को ही पुकारते हैं। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहां महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ जानकर कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, माधव इस भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए, समरांगन में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता है। देखिए क्रोध में भरा हुआ सूत पुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। वो निरंतर हांकता हुआ बारंबार मेरे ओर देख रहा है। रणभूमि में कर्ण से पलायन करने का कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। कर्ण के भार्गवास्त्र से अर्जुन को व्याकुल होता देखकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन अभी कर्ण से लड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो अर्जुन को युद्ध भूमि से भगाकर ले जाने के लिए उन्हें कहते हैं, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत जख्मी कर दिया है, पहले तुम उनको देख आओ फिर तुम कर्ण का वध करना। श्री कृष्ण ये सोचकर अर्जुन को युद्ध भूमि से भगाकर ले जाते हैं कि तब तक युद्ध करते हुए कर्ण थक जाएंगे और तब अर्जुन कर्ण की बराबरी कर पाएंगे। जो कर्ण को भगोड़ा कह के बहुत उछलते हैं वो अर्जुन को क्या कहेंगे कमेंट में बताएं।